नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आम आदमी पार्टी मैं भी केजरीवाल कैंपेन के तहत पूरी दिल्ली में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में द्वारका विधानसभा के डाबरी वार्ड में एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए रिपोर्ट। अगर आप चाहते हो कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा ना दे और जेल से सरकार से हर रंग में समर्थन दे दो आप, तो मैं अरविंद जी तक ये बात पहुंचा दूंगा कि हमारे डाबड़ी वार्ड के लोग चाहते हैं कि आप इस्तीफा ना दें और जेल से सरकार चलाएं, और जेल में ही सरकार चलेगी, पहले भी तो चलती रही है। जेल में ही फाइल मंगाएंगे, जेल में ही अफसर बुलाएंगे, जेल में ही मीटिंग करेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, क्योंकि लोगों ने वोट किसको दिए, किसको वोट दिए, किसको वोट दिए? क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? हाथ खड़ा करिए, किसको कौन बोलना चाहता है इसके बारे में? मैं चाहता हूँ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल से भी सरकार चलाएं, क्योंकि इस देश को आज़ाद करने के लिए शहीदों ने भी जेल में बैठ के आज़ादी दिलवाई थी। इसे अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, आप जेल में रहो, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे और फिर चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आपकी सरकार बन के आए, हम नहीं डरेंगे तानाशाही शासन से। डाबड़ी वार्ड के तिलक वाटिका में आम आदमी पार्टी द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी विधायक विनय मिश्रा, डाबड़ी वार्ड की पार्षद तिलोत्मा चौधरी और जिला से लेकर वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक विनय मिश्रा ने लोगों से पूछा कि जिस तरह से मोदी सरकार ईडी के माध्यम से मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है, तो क्या ऐसी स्थिति में केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से ही सरकार चलानी चाहिए? लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिए। तो द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक जन संवाद में पहुंचे हैं। विनय जी, जन संवाद शुरू किया गया है जनता से पूछने के लिए केजरीवाल के बारे में, क्या कुछ आज चर्चाएं हुई हैं, क्या कुछ रिस्पांस जनता का आया है और क्या उद्देश्य है जन संवाद का? देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि जो मोदी जी का जो षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी ख़त्म करने का, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद करके इस सरकार को तोड़ने का, पार्टी को ख़त्म करने का, उसके खिलाफ अब जनता में रोष आपको देखने को मिला। किस तरीके से जनता आज जवाब दे रही है, और सबको पता है कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई पॉलिटिकल है और अपने ओपोनेंट्स को मोदी जी कैसे ख़त्म करना चाहते हैं वो दर्शा रही है। तो आज दिल्ली में सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल को ये जेल में बंद करना चाह रहे हैं, तो आज उसी पर हम लोग जनता से संवाद कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, क्या इनके षड्यंत्र में फंसना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? तो आज आपके सामने जनता चाहती है कि हमने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया, उनके वादों पे हमने वोट दिया, उनकी गारंटी पे हमने वोट दिया, तो सरकार भी उनको चलाना चाहिए, चाहे वो जेल में बंद हो चाहे जेल से बाहर चलाए। पार्षद तिलोत्मा चौधरी ने पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था की, तो वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने मंच से केजरीवाल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। अभी हम लोग 10-15 दिन से लगे हुए थे क्षेत्र की हर गलियों में, अपना हम लोग घूमे और जनता के बीच में गए, जनता के इस विचार को जानने के लिए जो केजरीवाल जी का आदेश था कि जनता से आप जाके घर घर पूछिए कि वो जनता क्या चाहती है, क्या मुझे मतलब जेल जाना चाहिए, अगर जेल में ये लोग कर देते हैं तो क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो इसी के तहत हमने जनसंवाद का प्रोग्राम अपने वार्ड में रखा और आज अपने वार्ड की जनता को यहाँ पर आमंत्रित किया, उनके व्यूज़ आप लोगों ने सुने, और जहाँ जहाँ हम गए महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सभी का ये कहना है कि केजरीवाल जी एक अच्छा शासन चला रहे हैं, उससे आम जनता को फ़ायदा है, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, तीर्थ यात्रा का हो, या महिलाओं को बसों में जो सुविधाएं मिल रही हैं उसका हो, या क्षेत्रीय विकास का हो, रोड, गैस, पाइप, जितने मुख्यमंत्री योजना से एक प्रचंड बहुमत से विकास हो रहा है कि पूरी कॉलोनी की कॉलोनी बनाई जा रही है और उसमें हमारा मुख्यमंत्री योजना का फंड लग रहा है, तो इस तरह से जो जनता को इतनी सुविधाएं दे रही हैं, आज जनता ने साबित कर दिया है कि जनता उनके साथ है और किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो जेल में रहें या बाहर रहें, कैसे भी शासन चलाएं, जनता उनके साथ है। और दिल्ली में बीजेपी जो किसी तरह से मसलना चाहती है इस पार्टी को, उनके नेताओं को जेल में डालकर, ये संभव नहीं हो पाएगा। तिलक नगर जिला से सचिव अमित कनौजिया ने कहा, मोदी सरकार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को खत्म करना चाहती है, यही वजह है कि उन पर झूठे आरोप लगाकर सबको जेल में डाला जा रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर जनसंवाद हो रहा है और हर वार्ड पे हम लोग जा रहे हैं, हर विधानसभा के हर वार्ड पे जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संदीप पाठक जी के नेतृत्व में
हम लोग हर वार्ड में जा रहे हैं, जनता के बीच में जनसंवाद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के लिए हम लोग जनसंवाद कर रहे हैं कि जो आज मोदी जी उनको बार बार ईडी भेज रहे हैं और उनको परेशान करके जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम जनता से पूछना ये चाहते हैं हर वार्ड में जनसभा के माध्यम से कि ईडी के माध्यम से जब बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजेगी तो क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से बैठ के सरकार चलानी चाहिए। तो सभी ने एक सुर में कहा, सभी जनता ने एक सुर में कहा कि उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। गौरतलब है दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने तीसरा समन भेजकर 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन तीसरी बार भी केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। अब अंदेशा जताया जा रहा है कि ईडी जबरन केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।